रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप सब हैत से होंगे माय नेम इज़ अदील महबूब आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस आज हमारा लेक्चर नंबर सिक्स है फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर वन जिसका टॉपिक है पॉइंटिंग डिवाइस हम पॉइंटिंग डिवाइस वाला टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में हमने फोर पॉइंटिंग डिवाइस पढ़ ली थी और आज के लेक्चर में हम जो रिमेनिंग फाइव पॉइंटिंग डिवाइस हैं वो डिस्कस करेंगे जिनमें हमने टच पैड टच स्क्रीन लाइट पेन ग्राफिक टैबलेट और पेन बेस सिस्टम के बारे में डिस्कशन करनी है लास्ट लेक्चर में हमने कीबोर्ड डिस्कस किया उसकी जो रिमेनिंग कीज थी वो डिस्कस की उसके अलावा पॉइंटिंग डिवाइसेस डिस्कस की पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं और कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं उनमें हमने चार पॉइंटिंग डिवाइसेस डिस्कस कर ली जिनमें सबसे पहले हमने माउस पढ़ा उसके बाद हमने ट्रैक बॉल के बारे में डिस्कशन की डिटेल के साथ फिर हमने जुआस्टिक और पॉइंटिंग स्टिक के बारे में डिस्कशन की ये चार पॉइंटिंग डिवाइसेस पढ़ने के बाद हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेस अभी रहती हैं जो बुक में मेंशन है टोटल नाइन पॉइंटिंग डिवाइसेस बुक में मौजूद हैं और ये सब इम्पॉर्टेंट हैं इनमें जो फर्स्ट सिक्स पॉइंटिंग डिवाइस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनमें से चार हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की हैं और दो अब आज हम करेंगे और उसके अलावा बाकी तीन और हैं लेकिन अहम जो हैं वो पहली छः हैं बोर्ड में इन पहली छः में से कई दफ़ा डेफिनेशनस आ चुकी हैं एक दो दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पॉइंटिंग डिवाइस वाला क्वेश्चन अपीयर हो चुका है कई दफ़ा वो सिलेक्टिव पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में कहता है नोट लिखें और कई दफ़ा सब के ऊपर नोट लिखने को कहता है तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए सबसे पहले हमने जो माउस पढ़ा हमने ट्रैक बॉल पढ़ा हमने पॉइंटिंग स्टिक पढ़ी और हमने जो पढ़ा इनके बारे में आपको पता होना चाहिए उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको समझ आएगी आज जो हम पॉइंटिंग डिवाइस डिस्कस करने लगे हैं उनमें पहली जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो है टच स्क्रीन डियर स्टूडेंट्स टच स्क्रीन एक ऐसी डिवाइस है जो कि डिस्प्ले डिवाइस है ये हमें आउटपुट देती है हमारे मोबाइल फ़ोन्स में हमारे लैपटॉप्स में और जो दीगर पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं उनमें टच स्क्रीन इस्तेमाल की जाती है टच स्क्रीन इज़ अ डिस्प्ले डिवाइस एज़ वेल एज़ इनपुट डिवाइस यानी ये डिस्प्ले डिवाइस तो है और डिस्प्ले डिवाइस तो आउटपुट डिवाइस होती है लेकिन इसके साथ साथ ये इनपुट डिवाइस भी है क्योंकि इसमें हम डाटा एंटर करते हैं अपनी फिंगर से टच करके टच स्क्रीन हमारी फिंगर की कमांड को एक्सेप्ट करती है रिसीव करती है तो ये कौन सा काम हो गया इनपुट का और चूंकि ये हमें डिस्प्ले भी दिखा रही है तो ये कौन सा काम है आउटपुट का तो टच स्क्रीन इनपुट भी है और आउटपुट भी है ये याद रखना है आपने कि टच स्क्रीन इज एन आई ओ डिवाइस टच स्क्रीन आई ओ डिवाइस है यानि इनपुट आउटपुट डिवाइस है इसके ज़रिए से डाटा इनपुट भी किया जाता है और इसके ज़रिए से आउटपुट भी रिसीव की जाती है ये एक डिस्प्ले स्क्रीन भी है और ये टच सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन है स्टूडेंट्स टच सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन ऐसी डिस्प्ले स्क्रीन है जो कि हमारे टच को सेंस करती है जब हम अपनी फिंगर से इसको टच करेंगे तो ये उसको सेंस करेगी और जिस लोकेशन पर टच करेंगे उस लोकेशन पर टैप हो जाएगा और उसी तरह से ये वर्किंग होगी जैसे हम माउस से क्लिक कर रहे हैं आप इसको यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की रूटीन में अब मोबाइल फ़ोन्स में टच स्क्रीन्स ही अवेलेबल हैं और हम टच स्क्रीन्स का ही इस्तेमाल करते हैं अब की पैड वाले जो फ़िज़िकल की पैड हैं उन मोबाइल्स का दौर नहीं रहा अब मोस्टली जो मोबाइल फ़ोन्स और पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं उनमें टच स्क्रीन इवन के लैपटॉप्स भी ऐसे हैं जिनकी हम स्क्रीन लदा करके उसको टैबलेट बना लेते हैं और उसकी स्क्रीन भी टच होती है टच स्क्रीन एक ऐसी डिवाइस है जो कि आज ज़्यादातर डिवाइस में जो डिस्प्ले स्क्रीनज़ हैं उनमें ज़्यादातर ये इस्तेमाल हो रही है जो ऑर्डीनरी डिस्प्ले स्क्रीनज हैं पोर्टेबल कंप्यूटर्स में उनमें टच स्क्रीन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डिस्प्ले स्क्रीन है टच स्क्रीन बहुत ही स्लिम एंड स्मार्ट डिस्प्ले स्क्रीन होती है और ये टच सेंसिटिव होती है ये ना सिर्फ हमारी फिंगर को बल्कि ये लाइट पेन के ज़रिए से भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं लाइट पेन क्या होता है आगे चल के आज के ही लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टच स्क्रीन के बाद हमारे पास टच पैड आता है जो लैपटॉप्स में मौजूद होता है आपने देखा होगा कि लैपटॉप्स के जो की पैड होते हैं वो जो की पैड आपको लैपटॉप में नजर आता है जो कीबोर्ड वाला काम करता है उसके बिल्कुल नीचे एक एक रिक्टेंगुलर और फ्लैट सरफेस होती है जिसके ऊपर हम अपनी फिंगर से जिसको यूज़ करके फिंगर से यूज़ करके हम स्क्रीन पे जो हमारा कर्सर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं टच स्क्रीन अगर ना हो तो हम टच पैड को यूज़ करते हैं और अगर टच स्क्रीन हो भी लैपटॉप्स में तो टच पैड वहाँ पर उसके बावजूद हमारे लैपटॉप्स में मौजूद होता है जिसके ज़रिए से हम स्क्रीन के कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं ये इसी तरह से हम अपनी फिंगर को मूव करेंगे जैसे कि हम माउस को यूज़ करते हैं जैसे कि हम माउस को मूव करते हैं लेकिन फ़र्क ये है कि ये एक उस तरह से माउस की तरह फिज़िकल डिवाइस नहीं है ये सिर्फ़ एक सरफेस है लैपटॉप की ये ऐसा फील होता है कि लैपटॉप के साथ ही है लैपटॉप की ही एक सर्वेस सर्फेस है लेकिन लेकिन टच सेंसिटिव है टच सेंसिटिव से क्या मुराद है कि हम इसके ऊपर अपनी फिंगर को रोल कर रहे हैं फिंगर को मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर मूव कर रहे हैं सेम टू तो सेम उसी डायरेक्शन में स्क्रीन पे जो कर्सर है वो भी मूव करेगा और हम इसी टच सेंसिटिव सरफेस के ऊपर फिंगर से जब टैप करेंगे तो वो लेफ़्ट क्लिक का, का काम करेगी लेफ़्ट क्लिक जिस तरह माउस से करते हैं यानी सिलेक्ट करते हैं हम इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं इसके भी अलावा हमारे पास जो टच पैड होता है उसके नीचे दो एक्स्ट्रा बटन्स होते हैं एक बटन होता है लेफ़्ट क्लिक के लिए और दूसरा बटन राइट क्लिक के लिए होता है सेम एज ऑफ माउस सेम एज ऑफ ट्रैक इसके ऊपर भी लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक के बटन मौजूद हैं तो कर्सर को मूव करने के लिए जो हमारे पास टच पैड है हम उसको कंट्रोल करते हैं और लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक का, का काम करने के लिए हमारे पास बटन्स मौजूद होते हैं अगर बटन्स को नहीं भी यूज़ करना तो हम अपनी फिंगर से टैप करके टच पैड के ऊपर टैप करके स्क्रीन पे जो भी फाइल या कोई आइकन या कोई मेन्यू है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं वो ऐसे ही काम करेगा वो हमारा टैप करना है, ऐसे ही काम करेगा जैसे हमारा लेफ़्ट क्लिक काम करता है माउस में हो या बॉल में हो या टच पैड में हो आज हमारे पास जितने भी लैपटॉप्स हैं उनमें टच पैड लाजमी तौर पे अवेलेबल होता है उसकी वजह ये है कि लैपटॉप्स को बनाने का मकसद ये था कि हमारे पास ऐसी डिवाइस हो जो कि सेम टू सेम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स वाले काम करे जो हमारे घरों में सिस्टम्स मौजूद होते हैं वही वाले सेम काम करें लेकिन हम उसको अपने साथ लेकर जा सकें ऐसे डिवाइसेस को कहा जाता है पोर्टेबल जिनके अंदर लाइट वेट बैटरीज होती हैं और उनको हम अपने साथ लेकर कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं तो लैपटॉप उनमें से एक है मोबाइल फ़ोन भी पोर्टेबल है लेकिन मोबाइल जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह काम नहीं कर सकता मोबाइल के सॉफ्टवेयर अलग होते हैं जबकि सिस्टम के अंदर चलने वाले सॉफ्टवेयर्स अलग होते हैं तो हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए थी जिसको हम अपने साथ लेकर जा सकें अब जो हमारे घरों में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं हम उनको अपने साथ उठाकर कहीं लेकर नहीं जा सकते कीबोर्ड अलग होता है माउस अलग होता है सिस्टम अलग होता है और जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो अलग होती है वो पोर्टेबल नहीं है सो लैपटॉप एंड मोबाइल आर पोर्टेबल कंप्यूटर्स। तो लैपटॉप को हम अपने साथ कहीं पर भी ले जा सकते हैं इसको हम बंद करके फोल्ड करके बैग में डाल के कहीं पर भी दूर दराज इलाकों में भी ट्रैवल कर सकते हैं हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती जब लैपटॉप को बनाया गया तो ये सोचा गया कि इसके साथ डिस्प्ले स्क्रीन भी होनी चाहिए क्योंकि इसको हम अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं इसके साथ कीबोर्ड भी होना चाहिए और इसके साथ माउस के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए भी कोई डिवाइस होनी चाहिए इसलिए इसके साथ कीपैड लगाया गया जो कि हर लैपटॉप के साथ आता है और इसी तरह से इसके साथ टच पैड दिया गया ताकि माउस के बगैर भी हम इसको ऑपरेट कर सकें अगर हम अपने घर में यूज़ कर रहे हैं तो माउस अटैच कर सकते हैं इसके साथ इसके साथ ऑप्शन है अगर हम बड़ी स्क्रीन इसके साथ अटैच करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है बड़ा कीबोर्ड फुल साइज का अटैच करना चाहें वो भी कर सकते हैं लेकिन अगर हम अपने साथ कहीं लेकर जा रहे हैं तो इसके अपने अंदर ही की भी मौजूद है डिस्प्ले स्क्रीन भी मौजूद है एंड टच पैड भी मौजूद है इसके अलावा भी बहुत रेयर लैपटॉप्स हैं लेकिन हैं आज भी जिनके अंदर पॉइंटिंग स्टिक भी आती है कि अगर टच पैड सही काम नहीं भी कर रहा तो पॉइंटिंग स्टिक के जरिए से हम हम अपने कर्सर को कंट्रोल कर सकें नेक्स्ट है हमारे पास लाइट पेन डियर स्टूडेंट्स लाइट पेन को हम टच सेंसिटिव सरफेस यानी टच सेंसिटिव स्क्रीन के ऊपर यूज़ करते हैं ये पेन की तरह दिखने वाली डिवाइस है और ये कई दफ़ा स्टाइलस की तरह दिखने वाली डिवाइस है लाइट पेन को एक स्टाइलस कहते हैं स्टाइलस क्या होता है स्टाइलस एक पेन की तरह दिखने वाली डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है और हम स्क्रीन पे कुछ इसके जरिए से ड्रा कर सकते हैं लाइट पेन को टैबलेट्स के ऊपर यूज़ किया जाता है लाइट पेन को लैपटॉप्स की स्क्रीनस के ऊपर भी यूज़ किया जाता है और कुछ नोटबुक्स जो इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक्स हैं उनके साथ भी यूज़ किया जाता है इसके ज़रिए से हम ऑन द स्पॉट राइटिंग कर सकते हैं ड्राइंग कर सकते हैं आर्किटेक्चर इंजीनियर्स जो होते हैं वो इसके ज़रिए से डिज़ाइनिंग और ड्राइंग्स करते हैं जो लोग कंप्यूटर के ज़रिए से ड्राइनिंग ड्राइंग्स करते हैं वो भी लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं लाइट पेन के ज़रिए से स्केचिंग स्केचिंग भी की जा सकती है लाइट पेन के ज़रिए से डिफरेंट ड्राइंग्स भी बनाई जा सकती हैं लाइट पेन को हम स्क्रीन के एक ख़ास पॉइंट पे जब लेकर जाते हैं तो वहाँ पर ये स्क्रीन को टैप करता है सेम उस तरह से जिस तरह हम अपनी फिंगर से टैप करते हैं जिस तरह से हमारे जो इंक पेन होते हैं उनके आगे एक बारीक सी निब होती है इस तरह से लाइट पेन के आगे भी एक बारीक सरफेस होती है जिसको हम स्क्रीन के साथ लगाते हैं तो स्क्रीन पे वहाँ पे स्क्रीन उसको सेंस करती है इसके लिए स्क्रीन का भी टच सेंसिटिव होना ज़रूरी है ये बात याद रखिएगा कई स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि लाइट पेन को हम किसी भी स्क्रीन पर चला सकते हैं जबकि ऐसा नहीं लाइट पेन वहीं पर काम करेगा जहाँ पर स्क्रीन भी कुछ एक्सेप्ट करने के काबिल होगी यानी टच को सेंस करेगी जैसे मैंने आपको बताया टच स्क्रीन जो है वो डाटा एक्सेप्ट भी करती है इनपुट भी और आउटपुट भी है तो लाइट पेन का इस्तेमाल करते हुए हम टच सेंसिटिव स्क्रीन्स के ऊपर वही काम कर सकते हैं जैसे हम अपनी फिंगर से काम कर सकते हैं लेकिन फ़र्क ये है कि हम अपनी फिंगर से ड्राइंग नहीं कर सकते हम लाइट पेन के ज़रिए से ड्राइंग कर सकते हैं क्योंकि लाइट पेन एक पेन की तरह दिखने वाली डिवाइस है तो जिस तरह से जो लोग ड्राइंग्स करना जानते हैं मुख्तु चार्ट्स वगैरह के ऊपर पेंसिल्स के जरिए से चारकोल्स के जरिए से स्केचिंग करना जानते हैं वो पेन के ज़रिए से ज़्यादा अच्छे अंदाज में ड्राइंग कर सकेंगे जिस तरह से ब्रश को वो चलाते हैं फिंगर से वो काम नहीं हो सकता तो ये होता है लाइट पेन लाइट पेन के बाद नेक्स्ट टाइम हमारे पास डिजिटाइजिंग या ग्राफिक टैबलेट डियर स्टूडेंट्स टैबलेट का वर्ड मैंने लाइट पेन के टॉपिक में भी यूज़ किया और उससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा टच स्क्रीन का उसमें भी यूज़ किया जैसे कि मैंने आपको बताया कि टच स्क्रीन टैबलेट्स में भी आती है टैबलेट्स असल में मोबाइल से बड़े साइज के कंप्यूटर्स होते हैं ये बेसिकली एक किस्म की डिस्प्ले स्क्रीन ही है इसका मेन काम है डिस्प्ले स्क्रीन प्रोवाइड करना और इसका मेन मकसद ये है कि हम इसके ऊपर ड्राइंग्स वगैरह या स्केचिंग वगैरह कर सकें टैबलेट्स को शुरू में सिर्फ इस मकसद के लिए बनाया गया था जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं या जो आर्किटेक्चर इंजीनियर्स होते हैं जो किसी घर का नक्शा बनाते हैं या किसी बिल्डिंग का नक्शा बनाते हैं या किसी रोड का या किसी सोसाइटी का या किसी टाउन का नक्शा बना रहे हैं पहले किसी ज़माने में टैबलेट्स के आने से पहले वो अपने साथ चार्ट्स लेकर जाया करते थे और उसके ऊपर वो जो मैप है वो ड्रा किया करते थे या फिर लैपटॉप्स के ज़रिए या कंप्यूटर्स के ज़रिए से ये काम किया करते थे लेकिन क्योंकि हाथ से अगर वो ये काम करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा इसके लिए फिर टैबलेट्स बनाए गए क्योंकि टैबलेट्स पोर्टेबल होते हैं और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पोर्टेबल कंप्यूटर्स वो होते हैं जिनको हम अपने साथ लेकर कहीं पर भी जा सकते हैं तो इसके साथ लाइट पेन होता है या इसके साथ स्टाइलस होता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लाइट पेन एक स्टाइलस की तरह दिखने वाली डिवाइस है तो स्टाइलस बेसिकली पेन की तरह दिखने वाली डिवाइस है जो कि टैबलेट के साथ कनेक्टेड होती है और इस स्टाइलस के ज़रिए से हम टैबलेट के ऊपर डिफरेंट मैप्स डिफरेंट ड्राइंग्स डिफरेंट शेप्स ड्रा कर सकते हैं स्केचिंग भी कर सकते हैं स्टाइलस इसके साथ कनेक्टेड होता है और स्टाइलस जो है ये इसको कमांड देता है क्योंकि टैबलेट एक टच सेंसिटिव स्क्रीन रखता है याद रखिएगा स्टूडेंट्स टैबलेट्स छोटे साइज के भी होते हैं और बड़े साइज़ के भी होते हैं इतने बड़े साइज़ के भी होते हैं जितना टेबल होता है यानी ये टेबल साइज़ के भी टैबलेट्स होते हैं जाहिर सी बात है जब किसी एक बड़ी सोसाइटी का मैप ड्रा करना होगा उसके लिए छोटा सा जो टैबलेट है वो काम नहीं आएगा उसके लिए जो डिजिटाइज़र है या ग्राफिक टैबलेट है वो बड़े साइज़ का टेबल साइज़ का होगा और एक बात याद रखिएगा कि जो स्टाइलस होता है उसके ज़रिए से हम स्केचिंग करते हैं इसके ऊपर जब बड़े टेबल साइज़ का हमारे पास टैबलेट होगा तो हम स्टाइलस के ज़रिए से जो लोग ये काम करते हैं जिनका ये शोबा है जिनकी फील्ड है जो इंजीनियर्स होते हैं जो आर्किटेक्चर इंजीनियर्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग मैप्स ड्रा कर करने वाले लोग जो हैं वो जब स्टाइलस का इस्तेमाल करते हैं तो स्केचिंग भी करते हैं तो स्टाइलस एक पेन लाइक डिवाइस है पेन की तरह दिखने वाली डिवाइस है जो स्केचिंग के लिए इस्तेमाल होती है जबकि एक और डिवाइस इसके साथ इस्तेमाल होती है हमारे पास ग्राफिक टैबलेट के साथ जिसे हम पक कहते हैं पक एक कॉपिंग डिवाइस है पक के ज़रिए से हम कॉपी करते हैं किसी ड्राइंग की किसी शेप की कॉपी हम कर लेते हैं टैबलेट के ऊपर और पक को तब इस्तेमाल किया जाता है जब टैबलेट्स हमारे पास बड़े साइज़ के हों यानी बड़ी ड्राइंग्स के लिए हम पक का इस्तेमाल करते हैं याद रखिएगा कि पक जो है वो कई दफ़ा माउस की तरह दिखने वाली डिवाइस होती है पेन की तरह नहीं होती हम इसको इस तरह हाथ के नीचे रखते हैं और इसको जहाँ जहाँ पे मूव करते हैं जहाँ फेरते हैं जिस तरह से कार्बन कॉपी होती है जिस तरह से कार्बन पेपर होता है उसके ऊपर हम कुछ लिखें तो नीचे वाले पेपर पे उसकी कॉपी हो जाती है कार्बन पेपर या कार्बन कॉपी जिसे कहते हैं सेम उसी तरह से ये जो पक है ये कॉपी करता है हम जिस शेप के ऊपर जिस तरह की ड्राइंग के ऊपर जिस तरह के मैप के ऊपर इसको मूव करेंगे नीचे हमारे पास टैबलेट होगा बड़े साइज़ का उसी डायरेक्शन में उसी लाइन में हमारे पास वो चीज़ कॉपी होकर टैबलेट के ऊपर आ जाएगी ये पक्का काम है पहले क्या होता था कि ये जो लोग ड्राइंग करते हैं ये फिज़िकली पेन या ब्रशेस के ज़रिए से ड्राइंग किया करते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है अब हमारे पास टैबलेट्स के अंदर सॉफ्टवेयर चल रहा होता है वहीं से वो ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं वहीं से वो कलर चूज़ कर लेते हैं उन्हें डिफरेंट कलर्स ब्रश को लगाने की ज़रूरत नहीं सिर्फ उन्होंने सेलेक्ट करना है टूल्स मौजूद हैं सिलेक्शन टूल्स के ज़रिए से वो सेलेक्ट करते हैं और इरेज़ करना हो तो इरेज़र टूल सेलेक्ट करने के बाद उसको इजीली इरीज कर लेते हैं जबकि अगर वो ये पेपर पे कर रहे होते तो ऐसा पॉसिबल ना होता तो इजीली वहाँ से टूल्स सेलेक्ट करने हैं और उन टूल्स को यूज़ करना है सिर्फ पेन एक ही होगा डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करेगा ब्रश का साइज़ भी बड़ा हो जाता है ब्रश का साइज़ कम भी हो जाता है और ड्राइंग कहीं से इरेज भी की जा सकती है स्केचिंग की जा सकती है और ट्रेसिंग की जा सकती है जिसे मैंने अभी कहा कोपिंग डिवाइस जो हमने पढ़ा पक वो कॉपिंग डिवाइस है एक्चुअली वो ट्रेस करता है ना जिस तरह से ट्रेसिंग की जाती है कोई ड्राइंग ट्रेस की जा रही है तो पक को टेब टेबल साइज के टैबलेट के ऊपर मूव करके एक्चुअली ट्रेसिंग कर रहे होते हैं तो ग्राफिक टैबलेट जो है वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है लास्ट हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है पेन बेस्ड सिस्टम डियर स्टूडेंट्स बुक में लिखा हुआ है कि ये जो पेन बेस्ड सिस्टम है ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा और आने वाले टाइम में लोग इसको यूज़ करेंगे और ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा हम लोगों को पेन बेस सिस्टम क्या है इसको आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊं तो एक इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड है एक क्लासरूम का तो तसूर करें कि इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड है टीचर के पास जो पेन है वो कनेक्टेड है यानी टीचर के पास भी इलेक्ट्रॉनिक पेन है वो कनेक्टेड है इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड के साथ टीचर जैसे इसके ऊपर लिखता जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड उसको सेंस कर रहा है और स्टूडेंट्स के पास जो टैबलेट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक नोट बुक्स जिसे कहते हैं वो हैं और टीचर जैसे जैसे लिखता जा रहा है स्टूडेंट्स के पास ऑटोमेटिकली नोट्स बनते चले जा रहे हैं इसमें स्टूडेंट्स की एफ़र्ट कम हो गई स्टूडेंट्स को नोट डाउन नहीं करना पड़ा इसका मेन मकसद ये था कि स्टूडेंट्स मुकम्मल तौर पे कंसंट्रेट कर सकें कि टीचर पढ़ा क्या रहा है वो अपने कॉन्सेप्ट समझ सकें बजाय इसके कि वो उसको नोट करें सेम इसी तरह से जैसे मैथ्स की क्लास में अमूमन होता है कि स्टूडेंट्स या तो क्वेश्चन नोट कर सकते हैं या समझ सकते हैं क्योंकि सम टीचर ने साथ साथ समझाना होता है स्टूडेंट्स को भी साथ साथ नोट करना होता है उसके बाद अगर स्टूडेंट्स को टाइम दिया जाएगा तो मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन रह जाएंगे छूट जाएंगे इसलिए इस मकसद के लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो या तो नोट करते हैं या समझते हैं बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो समझते हैं इस नोट भी करते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स बहुत काम है तो इस प्रॉब्लम के सोलूशन के लिए पेन बेस सिस्टम को बनाया गया क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं इसलिए अभी तक इसका रवाज नहीं हुआ लेकिन इसके फवायद बहुत सारे हैं कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं जैसे मैंने बताया कि ये एक्सपेंसिव है और कुछ और भी इसके अंदर फ्लॉज हैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से अभी तक इसका रवाज नहीं हुआ अभी तक ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता तो इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड होता है टीचर का जो इलेक्ट्रॉनिक पेन है वो कनेक्टेड होता है उसके साथ और टीचर जैसे जैसे लिखता जाता है स्टूडेंट्स के पास टैबलेट्स में या स्टूडेंट के पास जो इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक्स हैं उनमें खुद बहुत स्टोर होता चला जाता है वहाँ पर लिखा आ जाता है स्टूडेंट उसको अपने पास सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़ तो इसे कहते हैं पेन बेस्ड सिस्टम उम्मीद है कि जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हमने पढ़ी हैं आपको समझ आ गई होंगी टोटल फाइव पॉइंटिंग डिवाइसेस आज हमने पढ़ी जिनमें सबसे पहले हमने टच स्क्रीन के बारे में डिस्कशन की जो कि इनपुट आउटपुट दोनों के तौर पे इस्तेमाल होती है पॉइंटिंग डिवाइस भी है क्योंकि इसके ज़रिए से हम पॉइंटर वाले काम करते हैं अपनी फिंगर से उसके बाद हमने टच पैड पढ़ा फिर हमने लाइट पेन पढ़ा उसके बाद डिजिटाइजिंग या ग्राफिक टैबलेट एंड द लास्ट वन वी हैव डिस्कस्ड पेन बेस्ड सिस्टम उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी आपको बुक से एक दफा रीड कीजिएगा और इसको पढ़िएगा जो चीज़ें मैंने बताई हैं बुक में मेंशन है और आपने इसको अच्छी तरह से याद भी करना है अल्लाह ताली आप सबका हामिनासर हो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़